ने 2 दिन पूरा बैठ के चैरिटी स्ट्रीम किया, उसमें मैंने देखा कि ट्रांसफर कर, तो आज मैंने बैठ के देखा कि देवर सो मेनी पीपल जो ये कह रहे थे कि थग ने पैसा स्कैम किया है कुछ 5-6 लाख रुपए, विच वॉज यूट्यूब मनी का रिमेनिंग अमाउंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, द थग ने अपने स्ट्रीम पे हर बार बोला था कि ट्राई टू गिव इट टू मी ऑन गूगल पे एंड पेटीएम, ओके। और थग ने ये चीज, आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, द सुपर चैट अमाउंट जो मुझे मिलता है यहाँ पे या जो थग को मिल रहा है, 30% ऑफ दैट अमाउंट जो होता है वो सीधा जाता है यूट्यूब के पास। इट्स इट डज नॉट कम टू अस। वो ये जो अमाउंट मेरे को यहाँ मिल रहा है 100 रुपीज या जो भी, इसका पूरा 30% जाएगा उनके पास, क्या कहते हैं, यूट्यूब के पास। दिस वॉज एन इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करनी थी, एंड पीपल वर थिंकिंग कि थग ने यहाँ पे स्कैम किया है पैसे का, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट उसने मुझे दिखाया कि ही वॉज ट्राइंग टू टॉक टू यूट्यूब कि उसे वो 30% जो यूट्यूब ने लिया है फॉर चैरिटी पर्पज, वो उनको रिटर्न अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई होप वो पैसा जो 30% है वो मिले। बट जो लोग ये फैला रहे ना हेट, कसम से भी ऐसा लग रहा है आपको घर पे पबजी खेलने नहीं मिल रहा really। नहीं रहे बंदे अभी भाई कुछ भी, अबे थग ने वो इवेंट किया था ना, तो कुछ दस भी घंटा सिस्टम कर भाई रहे दस हैं। घंटा दस बोलना काय मतलब क्या का कहते सात हैं, सात 8 घंटे, एक एक दिन का 7 घंटा, भाई कभी कल मजाक तो नहीं दस है। घंटा कह दो और भाई वो गला चीज फट करना भी जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तुम कर किसी ने किया क्या भाई, तुम लोग बोलते हो ना, ये जो बोलने वाले हैं ना, देख ये एक आज मैच साले में भाई, मारने वाला हूँ, गाड़ी सेव कर, क्लच छोड़ जा, मैं आगे वाले 6,000 जा रहा है मेरे गाइस साथ। अपनी पब्लिक बस एक ही चीज करो, थग हेटर्स गेट वेल सून, बाकी कुछ नहीं, अपने को कुछ नहीं बोलने का भाई। इतना कर रहे थक तो भी उसको गाली दे रहे हाँ क्या ना, ये अरे भाई बंदों को पॉइंट चाहिए भाई, पॉइंट मैं बोल रहा हूँ तुझे, पॉइंट चाहिए बंदों को। डग ओपी यार क्या कर रहे हो यार। हुआ ये कि उसके बाद वो स्मोक में था कि नहीं, दैट वाज ऑल पबजी मोबाइल का डिसीजन, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हुआ ये कि मैं जब देख रहा था वो क्या बोलते हैं, वो स्ट्रीम कंटिन्यू कर रहा था टॉप फ्रैगर और स्टैंडिंग्स देखने के लिए, तब मैंने सुना कि कास्टर बोल रहा है कि मतलब ही वो सपोर्टिंग इट एफपीपी का ये चीज, और उसी के जस्ट पहले हम लोग का मैच में वो आया था, क्या बोलते हैं, वार्निंग नोटिस आया था। नोटिस हाँ आया था कि यू आर नॉट अलाउड टू। तो मैंने उन लोग को ये बोला जो पबजी वाले थे कि कास्टर्स को ये आप लोगों ने शायद बताया नहीं अभी तक, बिकॉज वो लोग रॉन्ग मैसेज वहाँ पे थ्रो कर रहे हैं दैट यू आर अलाउड टू यूज इट। तो मैंने वही किया कि इताची बोल रहा हूँ जो ये था मॉड्स थे वहाँ के, उनको बोला कि प्लीज आस्क द कास्टर्स, प्लीज क्लैरिफाई टू द कास्टर्स दैट एफपीपी स्मोक ग्लिच इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। डेवलपर्स रूल्स था वो, टेंसेंट का रूल था, जैसा भी था। तो वो उन लोगों ने जब जाके देखा कि उसने क्या बोला है, तो देवर डिस्कसिंग, दो कास्टर वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग जो हुआ, दैट उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया एफपीपी का एंड एवरीथिंग, एंड देन दे सॉ दैट इट वॉज यूज। बट नाउ उसके आगे द डिसीजन वॉज देयर, मैंने अपने तरफ से आई ट्राई टू टेल देम दैट फॉर फर्स्ट टाइम के लिए दे सेड कि दे डिड नॉट ओ भाई गाड़ी थ्रो आ गई मेरे पीछे, किसी को मार, मैं रूल बता रहा हूँ आपको सिर्फ, कि स्मोक के अंदर से एफपीपी यूज करके अगर आप किसी को मारते हो तो योर पॉइंट्स विल बी रिड्यूस टू जीरो, और सेकेंडली यू आर अलाउड टू यूज एफपीपी, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज एफपीपी, बट किसी को मारने के लिए नहीं, यू कैन यूज स्मोक के थ्रू। वो जो वहाँ वो स्मोक में नहीं था, उसने पहले ही स्विच कर लिया था स्मोक के बाहर, वो दिख रहा है, उसने वीडियो डाला है तो उसमें उसकी गलती नहीं दिख रही है, तो स्मोक के बाहर से मारा है उसने नमन को। बट वो मैनेजमेंट का ये रोल था मॉडल कि हाँ मैनेजमेंट का ये था, क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन था उसमें। यार मुझे एक बात बताओ यार, इसमें फैंस की क्या गलती है गाइज, ऑन टॉप तू भी सोच ले इसमें फैंस की क्या गलती है। प्लीज गाइज डोंट हेट एनी वन, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सप्लेन अवर सिचुएशन, नो नीड टू हेट एनी वन। यस तुझा तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है ऑन टॉप, तेरी गलती नहीं है, ऑब्वियसली तेरी गलती नहीं, जितना तेरा वीडियो मैंने देखा है उसमें तेरी गलती नहीं लग रही है, बट वी कैन डिस्कस ऑन दिस ऑन आवर ग्रुप और एल्स आई विल कॉल यू। दिस इज सोलोमन पॉइंट ऑफ व्यू, ही वॉज क्लियरली यूजिंग एफपीपी मोड व्हाइल ही वॉज इन द स्मोक एंड दे हैवन गॉट देयर पॉइंट डिडक्टेड, आई टोल्ड द ऑफिशियल बट दे सेड दे वेर नॉट किलिंग द एनिमीज व्हाइल इन द स्मोक। हाँ मन तो कर रहा था पर ये स्मोक भी में गलत है लेकिन फिर, हाँ ये भी गलत है फिर, अगर देखा जाए तो ये भी गलत है,
ये भी गलत है, मतलब स्मोक में जाके एफपीपी यूज करके एनिमी नहीं मारा तो ये वैलिड पॉइंट नहीं ना, एनिमी ये वैलिड पॉइंट नहीं है। अगर उन्होंने क्या बोला है कि स्मोक में एफपीपी यूज ही नहीं करना है, ऐसा रूल है। अगर अमन ने स्मोक के अंदर एफपीपी यूज किया है तो ऑब्वियसली माइनस होने चाहिए पॉइंट, तुम लोग एनिमी को मारो या फिर नहीं मारो, ये वैलिड पॉइंट होता ही अमन नहीं नेट है। डाल रहा था, हाँ, नेट और डाल नेट रहा डाल था रहा था वो, ये दिख रहा है स्मोक में, दिख रहा है नेट किसान डाल रहा है वो, ये गलत चीज है। ऑल्सो एडिंग टू द मैनेजमेंट द अनाउंसमेंट वॉज मेड, एक तो पहली चीज ऑन टॉप ने गलत ये किया कि उसने ये सारी इंस्टाग्राम पे डालना नहीं चाहिए था। ये इंस्टाग्राम पे डाल के क्या होता है, जो मैं इमेच्योर ऑडियंस ऑडियंस की बात करता ना, वो एक्टिव हो जाती है। ये चीज गलत बोल दी इसने कि आईडी पासवर्ड वो रूम में था, ठीक है। उसने क्या बोला कि हम लोग रूम में थे, हमने रूम ज्वाइन किया था, तो हे एवरीवन, इफ एनी प्लेयर फाउंड आउट यूजिंग स्मोक ग्लिच इन कॉमा इन स्मोक स्विच टू एफपीपी, द होल टीम विल गेट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द पीएमपीएल स्क्रीन्स एंड आल्सो दे कैन बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द नॉर्मल पीएमपीएल। तो ये मैसेज आया था 8:22 को, उसके बाद आया था आईडी पासवर्ड लास्ट मैच का, 8:30 को आया था, मतलब 8 मिनट के बाद आया था। और ऑन टॉप ने क्या स्टोरी डाली है, ऑन टॉप ने ये डाला है कि एक सेकेंड, ऑल्सो एडिंग टू द मैनेजमेंट द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन द लास्ट गेम एंड वी वेयर इन द पबजी रूम एंड वी हैड आवर गाइडेड एक्सेस ऑन, पबजी रूम में था ये लास्ट मैच से। क्या बोला इसका, मुझे कोई हिंदी में ट्रांसलेट करो बे। ऑल्सो एडिंग टू मी द मैनेजमेंट द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन द लास्ट गेम, ठीक है, एंड वी वेयर इन द पबजी रूम, ठीक है। अगर ये थर्ड मैच में पबजी रूम में था तो फोर्थ मैच का आईडी पासवर्ड देखने से पहले 8 मिनट पहले वो अनाउंसमेंट हुई थी, ऑब्वियसली वो अनाउंसमेंट देखनी चाहिए थी उनके टीम में कोई, ऑब्वियसली पासवर्ड डालने से पहले पासवर्ड जो उनका टीम का प्रोवाइड करता है उसने वो तो देखा रहेगा। एंड वी हैड आवर गाइडेड एक्सेस ऑन एंड वी वेयर डिस्कसिंग अबाउट द गेम प्लान, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, देख ऑन टॉप यहाँ पे वो गलती कर दी पहली ब्रो से तूने, तूने बोला कि रूम में था, तो अगर तुम्हारे पास आईडी पासवर्ड नहीं आया तो तुम किसी ने तो देखा रहेगा आईडी पासवर्ड, उससे पहले उसने मैसेज नहीं देखा वो वाला, उसके पहले वो मैसेज आया था। तो ब्रो यहाँ पे तेरी तू जो ये पॉइंट रखा है ना, ये गलत है। बस मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीजें पब्लिक मत करो। और ये देखो, इंडियंस एंड नेपालीज बहुत पहले से सारे फील्ड में एक साथ काम करते हैं एंड दे ऑल आर ब्रदर्स, बट ये छोटी सी चीज से अपने को हेट नहीं फैलाना है। अपन एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हैं, अगर तेरी गलती नहीं है और तू जो दिख भी रहा है तेरी गलती नहीं है, बट यस, इंडियन फैंस, नेपाली फैंस, ये चीजें करके अपने को एक दूसरे को उकसाना नहीं है। ये मैनेजमेंट में अगर तूने तूने जो दिखाया वो पॉइंट ऑफ व्यू तेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, तू मैनेजमेंट को एक सिंपल चीज है वो क्लिप भेज देगा तो इश्यू पानी का पानी हो जाएगा। तो सिंपल है, ये सारी चीजें मत करो। एंड गाइस, वी ऑल आर ब्रदर्स, इंडिया नेपालीज भाई भाई है, बट कुछ चीजें ऐसी रहती है जो अगर होती है तो उसमें ओपिनियन देना था मुझे भी, मैंने दे दिया मेरा ओपिनियन, आपने देखा। ये बस अभी इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं।